महज 15 मिनट की देरी से परीक्षा देने पहुंचे एक छात्र का पीजी कॉलेज प्रबंधन ने एक साल बर्बाद कर दिया। इस वजह से छात्र ना तो माखनलाल यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे पाया, ना ही जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा वो दे सका है। इस मामले में छात्र ने प्रबंधन पर भेदभाव करने का आरोप भी चस्पा किया है। छात्र पंकज श्रीवास्तव का आरोप है कि कई अन्य छात्र जो देरी से पहुंचे थे, प्रबंधन ने उन्हें बिना किसी रोक टोक के कॉलेज में प्रवेश दे दिया, लेकिन उसके साथ प्रबंधन ने दोयम दर्जे का बर्ताव किया, साथ ही उसके भविष्य को दांव पर लगा दिया। आज जीवाजी का और माखनलाल का पेपर था, तो माखनलाल जी का पेपर मेरा 9 बजे से था, तो मैं 15 मिनट लेट हो गया था, तो इनने मेरे को पेपर नहीं देने दिया। और जबकि ये भाई ये इसका 9:30 बजे तक ये लेट हो गया था, तो इसको एंट्री दे दी थी, जबकि मेरे को एंट्री नहीं दी अंदर, और इस वजह से मेरा एक साल ख़राब हो गया। तो आपने प्रिंसिपल साहब से बात की यहाँ पे? प्रिंसिपल साहब से नहीं, और पर किसी और अधिकारी से बात की आपने? हाँ की थी, मैडम से बात की थी, तो मैडम ने बोला कि अब एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम डबल डबल पेपर दे रहे हो, इलीगल है। तो इलीगल क्यों है? मैंने दोनों का मैंने थोड़े ना बोला था, जीवाजी और ये माखनलाल साथ में पेपर रखे, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। आप तो पढ़ाई कर रहे थे? हाँ। 25 मिनट में लेट हो गया। तो फिर आपको पेपर देने दिया कि नहीं देने दिया? दिया ना मैंने पेपर दिया, और लास्ट डे में जो कल मतलब जो पेपर था 29 तारीख को, उसमें भी बंदे लड़के थे वो काफ़ी लेट हुए थे, 9:45 तक आए हैं। सर इनको आज पेपर क्यों नहीं देने दिया? अलग वो दूसरे अलग रूम में थे, तो उसकी मेरी जानकारी नहीं है।